कब हुआ ये? सर आज रात को हुआ। तो ऐसा था, रात को अनिल जी की बीवी तो नहीं थी, उसकी गाड़ी खाली थी, गाड़ी खाली थी वो लेकर भाग रहे थे। हमने हमारे चार आदमी गए तो वहाँ से ये दिक्कत हुई। हमने कहा भाई इसमें लगता है पैसे और दारू बांटी जा रही है, तो हमें शक हुआ, अपनी गाड़ी हमने पीछे लगा दी। वो दो गाड़ी थी, एक गाड़ी आगे निकल गई, निकलने के बाद एक गाड़ी बंद गली में घुस गई, तो हमने भी उस गली में उछड़ी, उसको ड्राइवर उतर के भाग गए दोनों। भागने के बाद हमने वो गाड़ी पकड़ ली, 100 नंबर को फ़ोन किया, पुलिस भी आई। आने के बाद हमने कहा इस गाड़ी को खोलिए, लोग इसमें चेक करिए, इसमें पैसा है और दारू है। तो पुलिस वाले ने कोई सुनवाई नहीं की। फिर उधर से सौरभ जहाँ थे, वहाँ सौरभ जी आए हुए थे, सौरभ जी को भाई भोपाल ने हमला करने लगे। सौरभ जहाँ आ गई उसकी बीवी, बीवी कहने लगी मैं आरोप लगा दूँ, मैं अपने कपड़े फाड़ लूँ, कपड़े फाड़ने का आरोप लगा, उन्हें छिपड़ गई एकदम से। तो उसने पुलिस के सामने रोने लग गई, ऐसे आरोप लगाया गोपाल ने, फिर आकर उसका गलेवाल पकड़ा हमारे विधायक सौरभ जान जी का। तो इसमें बहुत बड़ी बेइज्जती सी हुई, मारा पीटी की हमारे सौरभ जान की, बहुत पिटाई की। तो ये शोभा नहीं दिया बहुत। और अभी मतलब कितने बजे आपको अंदर ले लिया उन्होंने पुलिस? नहीं, सौरभ झा को तो सुबह में मैं अपनी आईडी में खुद जमानत लेके आया हूँ। सुबह गया 5 बजे, वो छोड़ नहीं रहते थे कोर्ट से छूटेगा। तो मेरी चौकी इंचार्ज से कहा सरकार हमारी सरकार आ जाइए, 10 दिन बाद हमारी सरकार आ जाएगी, ऐसे नहीं 10 दिन बाद तो हमारे नीचे आओगे आप, कोई दिक्कत नहीं, आज ही हमारा स्वराज नहीं छूटेगा, ऐसे रुक रहा पता कितने पैदा होंगे। तो सौरभ झा को फिर उन्होंने जमानत लेके उनको छोड़ दिया गया। ठीक, जमानत पर उनको लेके आया, फिर छोड़ा उन्होंने। ठीक। और रात को हमारे को बच गए थे, पूरी रात काली होगी, सोए तो है नहीं, अभी भी नहीं सोए बिल्कुल भी, एक 10 मिनट का आराम नहीं किया है। 10 मिनट में नहा करके हम यहाँ वापस आए, अपनी लाइन पे लग गए। ठीक है सर, चलिए, थैंक यू।